सो आज के इस वीडियो पे हम लोग होंडा की नई स्कूटी होंडा डियो 125 को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक्टिवा की 125 से, और इन दोनों स्कूटी का दोस्तों टॉप एंड वेरिएंट यानी कि एच स्मार्ट वाले वेरिएंट को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके आप लोग को बताने वाले हैं कि इन दोनों स्कूटी में जो आप लोग को क्या कोई डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग को प्राइसिंग में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है, इसके अलावा इन दोनों स्कूटी में से आप लोग को कौन सी स्कूटी को लेनी चाहिए उसके बारे में भी आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को स्कूटी और बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्राइसिंग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिवा 125 का जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 108,376 रुपए देखने को मिलेगा ऑन रोड। बाकी डियो 125 के बारे में बात करी जाए तो ये 2,000 रुपए ज्यादा महंगी है। इसका प्राइस लगभग आप लोग को 110,434 रुपए देखने को मिल रहा है। और ये जो दोस्तों मैंने आपको प्राइसिंग बताया है ये मैंने आप लोग को एच स्मार्ट वेरिएंट के प्राइसिंग के बारे में बताया है। बाकी दोस्तों अब हम लोग इन दोनों स्कूटी के फीचर्स के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो इन दोनों स्कूटी पे दोस्तों आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही फीचर्स देखने को मिलता है। एक फीचर का दोस्तों आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि है मीटर कंसोल का है। एक्टिवा पे दोस्तों आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल का मीटर कंसोल दिया गया है, लेकिन आप लोग को डियो 125 पे जो है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को दोनों स्कूटी पे सिमिलर ही फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोग को फुल्ली एलईडी लाइटिंग के साथ जो है एलईडी का डीआरएल भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्कूटी पे जो आप लोग को एच स्मार्ट वाला फीचर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कीलेस फीचर है वो भी आप लोग को दोनों स्कूटी पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों स्कूटी पे आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो फ्रंट पे आप लोग को टेलीस्कोपिक का देखने को मिलता है, और रेयर पे दोस्तों आप लोग को स्प्रिंग टाइप जो है दोनों स्कूटी पे सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फीचर्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी इंजन के बारे में बात करी जाए तो इंजन भी दोस्तों दोनों स्कूटी पे सिमिलर ही दिया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को दोनों स्कूटी पे 124 सीसी का एयर कूल BS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों दोनों ही स्कूटी पे आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन दिया गया है, यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है वो दोस्तों आप लोग दोनों स्कूटी पे यूज कर पाएंगे। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग आप लोग को 48 से लेकर 50 KMPL तक की माइलेज देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे मैं आप लोग को पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो लगभग आप लोग को 8.19 BHP तक की पावर और 10.4 Nm तक का टॉर्क आप लोग को दोनों स्कूटी पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को इन दोनों स्कूटी पे ज्यादा कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, एक ही डिफरेंस है जो कि मीटर का, मैंने तो आपको बता दिया। बाकी दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोग इन दोनों स्कूटी में से कौन सी स्कूटी को लेने वाले हैं 2023 में, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।